हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है निर्मल और आप देख रहे हैं हाईटेक निर्मल यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का। आप में से जो भी लोग परेशान हैं और दुखी हैं यूट्यूब की नई मोनेटाइजेशन पॉलिसी को लेके, तो आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि हमें उम्मीद थी कि फेसबुक बहुत जल्द एक क्रिएटर्स के लिए, वीडियो क्रिएटर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म ओपन करने वाला है। उसके बारे में तो खैर पता नहीं कब स्टार्ट करेगा कब नहीं करेगा, लेकिन अमेजोन बहुत जल्द करने वाला है। क्योंकि आप लोगों को अगर पता नहीं होगा, YouTube ने जो पॉलिसी निकाला, तो YouTube और जो YouTube नहीं बोलते, YouTube एक्चुअली Google का सब प्रोडक्ट है, तो Google और Amazon का जो है वॉर काफी टाइम से चल रहा था। तो अब YouTube ने ये चीज किया तो Google का रेप्यूटेशन खराब होगा ही ऑब्वियसली। तो इसकी वजह से जो है Amazon को बहुत तगड़ा सा मतलब एक माहौल मिल गया अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए, क्योंकि बहुत से क्रिएटर्स जो है यूट्यूब से गुस्सा होंगे, वो Amazon पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो Amazon का ये जो क्रिएटर्स Amazon ट्यूब करके जो प्लेटफॉर्म आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है। Amazon ने जो है काफी सारे रजिस्ट्रेशन किए हैं यूएस में, और ग्लोबली ये बहुत जल्द, मुझे जहां तक लगता है, एक महीने के अंदर अंदर Amazon का ये प्लेटफॉर्म लॉन्च हो जाएगा, Amazon ट्यूब नाम से, जहां पर क्रिएटर्स मोनेटाइज कर सकेंगे अपने वीडियोस को और वीडियोस अपलोड कर पाएंगे। तो अगर आप स्टोरीज में इंटरेस्टेड हैं, तो मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी बताना चाहूंगा कि क्या है। Amazon फायर स्टिक नाम का Amazon का एक प्रोडक्ट है, जिसको आप जो है अपने टीवी से कनेक्ट करके उसमें ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, नेटफ्लिक्स और वगैरह वगैरह जो भी आपके प्लेटफॉर्म्स है, वीडियो प्लेटफॉर्म्स है, उनको स्ट्रीम कर सकते हैं। तो सीन वॉज कि Amazon फायर स्टिक पर गूगल ने अपने YouTube के वीडियोस प्ले करना बंद कर दिया था, इसकी वजह से Amazon भड़क गया और Amazon ने भी गूगल का जो प्रोडक्ट है क्रोम कास्ट नाम का, उसे बेचना बंद कर दिया Amazon पर। तो इसकी वजह से सीन ये हुआ कि Amazon और गूगल का जो है झगड़ा चलने लगा, तो उनका वॉर हो गया वो। तो इसी वजह से Amazon ने ये चीज भी, काफी टाइम से रूमर्स थी कि Amazon भी गूगल के YouTube के अगेंस्ट अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च करेगा Amazon ट्यूब नाम से, तो बहुत टाइम तक ये रूमर्स ही थी। बट अभी कुछ रजिस्ट्रेशन किए हैं Amazon ने, जिसकी वजह से इस न्यूज पर काफी श्योरिटी हो गई, काफी लोग श्योर है कि बहुत जल्द Amazon ट्यूब लॉन्च होने वाला है और क्रिएटर्स को एक नया प्लेटफॉर्म मिलने वाला है, जहां पर क्रिएटर्स वीडियोस अपलोड कर सकेंगे, मोनेटाइज कर सकेंगे और पैसे कमा सकेंगे अच्छा सा कंटेंट। तो मोस्टली जहां तक मुझे लगता है कि बहुत से क्रिएटर्स जो है यूट्यूब से मूव करने वाले हैं Amazon ट्यूब पर, क्योंकि YouTube जो है आजकल रेवेन्यू भी काफी कम देने लगा है बड़े क्रिएटर्स को, और छोटे क्रिएटर्स को तो YouTube निकाल ही रहा है, उनको कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई भी मोटिवेशन नहीं दे रहा है उनको, मोनेटाइजेशन का ऑप्शन जिनको अवेलेबल था ऑलरेडी उनका भी बंद कर रहा है YouTube को। जहां तक मुझे लगता है कि ये जो मोनेटाइजेशन की नई पॉलिसी है, वो न्यू यूट्यूबर्स के लिए अप्लाई करना चाहिए, जिनका एग्जिस्टिंग यूट्यूबर्स जिनका मोनेटाइजेशन ऑलरेडी ऑन है, उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि एक टाइप से धोखा हुआ कि आपने मोनेटाइजेशन ऑन कर दिया, फिर एक महीने का टाइम देते हो और आप बोलते हो कि ऐसा ऐसा करो तो ही आपका मोनेटाइजेशन ऑन रहेगा, अदरवाइज डिसेबल कर दिया जाएगा। तो यहां पर मुझे जहां तक लगता है कि Amazon ने इस चीज का काफी अच्छा फायदा उठाया और बहुत जल्द Amazon ट्यूब लॉन्च कर देगा Amazon, और फिर देखते हैं YouTube को तगड़ा कंपटीशन मिलने वाला है। और उसके बाद Facebook का तो आ ही रहा है, हमें जहां तक लगता है उसमें देखते हैं कितना टाइम लगता है, वो भी 2-3 महीने के अंदर अंदर ही Facebook का भी वीडियो क्रिएटर्स का प्लेटफॉर्म लॉन्च हो जाएगा। सो मजा तब आएगा जब Facebook, Amazon और Google एक दूसरे के मतलब तीनों एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े होंगे और बराबर का कॉम्पिटिशन होगा। सो घबराने वाली कोई बात नहीं है, सबके लिए नया प्लेटफॉर्म आ रहा है, सो डोंट वरी, बहुत जल्द आप सभी को एक Amazon ट्यूब नाम का प्लेटफॉर्म मिलने वाला है और Facebook का प्लेटफॉर्म भी बहुत जल्द मिलेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। बाय बाय, पीस आउट।